हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मेरे साथ है ईशा और अमित। आपने इन दोनों को मेरे साथ वीडियो में देखा हो, लेकिन तुम दोनों साथ में कभी मेरे साथ वीडियो में नहीं आना। द कोलैबोरेशन दे हैव बीन वेटिंग फॉर। अब भी जाके इस वाली वीडियो पे लाइक कर दो। कितने लाइक का एम रखना है? 3 लोग हैं हम तो 300,000 ज्यादा बोल दिया। बट गाइस अब भी जाके इस वाली वीडियो पे लाइक कर दो। लेट्स एम फॉर 70,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। अगर इस वाली वीडियो पे 70,000 लाइक्स आते हैं तो मैं कहीं एक्सप्लोर करने किसी जगह को जाऊंगा। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक भी चलेगी क्या? पब्लिक भी चलेगी, पब्लिक भी जाएगी मेरे साथ। तो गाइस अब भी जाके इस वाली वीडियो पे लाइक कर दो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के हॉरर इंसिडेंट्स पढ़ूंगा, हॉरर एक्सपीरियंसेस, जिसको मैंने बोला था आप लोगों को कमेंट करने के लिए, और जिसमें मैंने एक और वीडियो बना रखी है, 2-3 वीडियो बना रखी है। आज भी बना दो, क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता है आप लोगों के हॉरर एक्सपीरियंसेस पर रिएक्ट करने पे। और गाइस ये भी नहीं होता ना कि लोग बोलते हैं कि यार इसका ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो जब मैं वीडियो बनाता हूँ, बट ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके हैं। अच्छा लगता होगा ना जान के कि दूसरों तो, के भूत भी हैं। हाँ भाई लिटरली मतलब सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पाते हैं कुछ चीजों से। हाँ भाई लास्ट टाइम में जिसने करी थी वीडियो, तो एक स्टोरी किसी ने बताई थी अपने ड्रीम की, और मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही जब मैंने वीडियो देख ही देता हूं। तो गाइस आज हम और मेरे साथ भी ये सीन है भाई, मेरे को भी बहुत नाइटमेयर्स आते हैं। तो आई डोंट वॉच हॉरर वीडियो, लाइक आई डोंट वॉच हॉरर मूवीज इन जनरल, बट अगर मैं कभी देख रहा होता हूँ तो आई प्रेफर वॉचिंग इट इन डे टाइम ना भाई। रात को तो सिर्फ हॉरर ब्लॉग्स बस रात को हम खुद वो चीजें करते हैं। तो गाइस अब बिना किसी वेट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो और आप लोगों के हॉरर एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कहती है शुरू करते हैं। चलो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। मैं पढ़ता हूँ पहला हॉरर इंसिडेंट। ब्रो आई हैव अ स्कैरी इंसिडेंट टू, हैशटैग अंकुर फैम। इफ यू नो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो बिकम अ पार्ट ऑफ अंकुर फैम। आई वाज 5 इयर्स ओल्ड, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली एट एन अपार्टमेंट ऑन द 3rd फ्लोर विद माय मॉम एंड डैड। वी ऑल यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, ये सब जमीन पे सोते थे। आई यूज्ड टू वेक अप ऑलमोस्ट एवरी मिडनाइट फॉर गोइंग टू द वॉशरूम। हर रात को मिडनाइट पे इनकी नींद खुलती थी वॉशरूम जाने के लिए। आई वोक माय मॉम अप फॉर दिस टू। आई डोंट नो व्हेन द स्टार्ट, बट एवरी डे आई वुड हियर द मेन डोर डाउनस्टेयर्स स्लैमिंग लाइक समबडी क्लोज्ड इट इन एंगर। आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड एंड रश टू माय बेड। तो गाइस आप सोचो, आप रात को आपकी 12 बजे नींद खुले और हर रात को आपको ऐसे, हर रात लिखा हुआ है ना, एवरी डे ऑलराइट, हर रात को आपको आवाज आए, आपकी नींद खुलते आपको आवाज आए कि आपका नीचे का मेन डोर स्लैम हो रहा है। एज माई मम स्विच ऑल द लाइट्स ऑफ, आई वुड सी अ मैन एंटरिंग फ्रॉम द वॉल्स इन फ्रंट ऑफ मी। दिस गेट्स क्रीपियर। सिंस इट वॉज डार्क आई कुड Only see his eyes which were pure white. तो भाई जब इनकी मम्मा ने लाइट ऑफ करी, उसके बाद इनको देखा कि वॉल के थ्रू कोई आदमी आ रहा है और उसकी आंखें पूरी सफेद है। He would roam around in the house very silently, but one day I gathered the courage to match my eyes with his. Okay. इन्होंने देखा कि कोई स्टोन से इनकी मम्मा के फुट पे कोई रब कर रहा है स्टोन। जैसे ही इन्होंने देखा और इनकी नजरें मिली तो इनको ठंड लगने लग गई और ब्लैंकेट में हमेशा छुप जाती थी। गाइस आपने अगर नोटिस करा होगा मेरी लास्ट वाले वीडियो में मैं गया हुआ था, जब मैं अपना वो स्पिरिट बॉक्स लेके गया हुआ था। आई ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कोल्ड। ये देखो मेरी तरफ हाथ दिखाना, फ्लैश दिखाना। मैंने आप लोगों के कॉमेंट पढ़े थे तो उसमें था कि अगर आपके अराउंड किसी घोस्ट की प्रेजेंस होती तो ये नेचुरली start feeling cold. I don't know how true is this thing, but तेरा क्या opinion है इस पे bro? किसी भी कब्रिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे तुमको temperature बाहर के मुकाबले कम ही मिलेगा। ये fact है, ही notice करना जाकर। And in the morning I saw cut on my mother's toe. Guys, अगर ये सपना होता तो उनकी मम्मा के पैर पे cut नहीं आया होता, लेकिन इन्होंने cut देखा, उनकी मम्मा के toe पे देखा था। तो this is very very spooky. Okay, so the next horror experience. So here's my little experience. One day, me, my father and my mother and my little sister were sitting in a room chatting. It was around 10:30 PM. रात के 10:30 बजे थे, इनकी पूरी फैमिली रूम में बैठ के मस्त चैट वैट कर रहे थे, बात कर रहे थे। The door was open. I saw something white from the corner of my eye. As I was about to think it must be my imagination, father asked, there was something right.
जयसिन को लगा कि इन्होंने इनकी बस इमेजिनेशन होगी, इन्होंने अपनी आंखों के कॉर्नर से देखा है कि भाई कोई सफेद वहां पे कुछ खड़ा हुआ है। इनके फादर ने बोला कि यहाँ पे कुछ था, तुमने भी देखा राइट। आई टोल्ड हिम आई सॉ इट टू, ही टोल्ड टू गेट टू गो चेक इट आउट। When I went there, there was nothing. Mother told that must have been the curtains. But I was damn sure it wasn't the curtains because our curtains are of maroon color. Okay. Guys, आप दोनों साथ बैठे हो, how can you guys have the exact same imagination? At the same time. At the same point of time. Just when तुमको लग रहा है कि मैंने शायद गलत देखा हो, तुम्हारे dad पूछ रहे हैं कि तुमने देखा क्या? Exactly. मेरा ऐसा काफी बार होता है ना, भैया पूछते भैया आपको आवाज आ रही है कुछ, और भैया कहते नहीं, मैं मेरे को और डर लगने लगा था कि इसको क्यों नहीं आ रही, मेरे को क्यों आ रही है, जबकि एक्चुअल में होता है ऐसा। तो मैंने ये भी देखा है कि ना, पीपल लाइक टू गेट स्कैर्ड व्हेन यू वाचिंग अ मूवी, यू नो कि वो ना बनाई गई है, द घोस्ट वो मेकअप है सब कुछ है ठीक है ना, बट यू एंजॉय द थ्रिल ऑफ इट एंड दैट इज हॉरर कॉन्टेंट फॉर यू, लाइक दैट इज व्हाई आई लव क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट, बिकॉज इट थ्रिल्स यू आउट, लाइक तुम ना कॉन्स्टेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कुछ डर वाला मोमेंट, कुछ डर वाला मोमेंट क्यों नहीं आ रहा, एंड व्हेन द वीडियो स्टॉप्स आप लोग और मेरी वीडियोस देखते रहते हो, सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ हॉरर कंटेंट। हॉरर मूवी वही देखता है जिसको डरना पसंद है, जिसको डरना पसंद है, जिसको डरना पसंद नहीं है वो क्यों देखेगा जाके कि भाई ओ मेरे को डर लगना है, वो क्यों करेगा? एग्जैक्टली भाई, वही देखेगा जिसको पसंद है, राइट। दिस हैपेंस, लोगों को बहुत किक मिलती है, किक मिलती है, एग्जैक्टली, लोगों को दिस इज अ पंच, लोगों को किक मिलती है, किक मार के देखा चल ऐसा मारते हैं नीचे यार, ब्रूस ली कैसे किया, ब्रूस ली हां तो मत 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 ऐसे कर दी भाई ब्रूस ली इसने। इट वाज नेक्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस, या सॉरी, वंस मी एंड माय कजन वर वॉइस रिकॉर्डिंग, इट वाज नाइट एट 8:56 पीएम टू बी एग्जैक्ट, व्हेन वी हर्ड अ गर्ल स्क्रीमिंग, व्हाट, व्हेन वी हर्ड अ गर्ल स्क्रीमिंग इन वन ऑफ द रिकॉर्डिंग, वी गॉट सो स्कैर्ड दैट आई डिलीटेड इट इमीडिएटली। व्हाट द हेल भाई, आप सोचो आप रात को वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, भैया आपको याद है मेरे एक वीडियो में बताऊं, वीजी बोर्ड वाली, गाइस मेरे एक वीजी बोर्ड वाली वीडियो है जो मैंने अपने दूसरे घर पे बनाई हुई थी भाई, वहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं एडिट कर रहा हूं, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो याद है वो मोमेंट भाई, उस वाली वीडियो में ना एकदम से ऐसी आवाज थी ना, मैं भैया एकदम से कोई आवाज आई थी, भैया एडिट कर रहा था वीडियो, और जब हमने शूट करे थे 3 बजे उसके जस्ट बाद जब वीडियो खत्म था भैया शूट कर रहा था, मैं ऐसे बैठी थी, मेकअप वेकअप अपना रिमूव कर दी थी, आवाज आई, मैंने ये क्या आवाज आई, भैया देख इधर आके, और जो देख के और भी चीजें होती है काफी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, ऐसा मानते भी है कि ना कुछ फ्लक्चुएशन ही कर सकते हैं घोस्ट्स, सो नहीं, और यही है ना कि अगर दोनों चीजें हैं भूत और इंसान साथ में एक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे, एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करेंगे, तो कितना केओस हो जाएगा। एग्जैक्टली, उनको अलग डायमेंशन अपना चाहिए, एग्जैक्टली, और फिर उस डायमेंशन से इधर आते रहते हैं वो बार बार, कभी कभार पता नहीं क्यों ये सब चीजें आते रहते हैं लोगों को, इंटरेस्टिंग है वैसे, बस वो यही है ब्रो के साथ हो डराते रहते हैं, या फिर हमारा पता शुरू से ना हॉरर मूवीज, थैंक्स टू दिस हॉरर मूवीज हमारा ना ये परसेप्शन बना हुआ है कि वी शुड गेट स्कैर्ड, मे बी वी शुड नॉट गेट स्कैर्ड, आई मीन मे बी वी शुड जस्ट लाइक यू नो, आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू गो क्रेजी, बट मे बी वी शुड एक्सेप्ट द थिंग द वे इट इज, and maybe we should वैसे देखा जाए तो you know keep looking for the ways to like see the other dimension like नहीं वही देखा जाए तो सही कह रहा है कि इंसान भी अच्छे बुरे होते हैं right, कुछ इंसानों से भी तुमको डर लगता है, कुछ इंसानों से नहीं, exactly, मेरे को इससे डर नहीं लगता, उससे डर लगता है, ऐसे ही भूतों में भी होता है but on a very serious note ऐसा भूतों में भी होता होगा, अच्छे भूत बुरे भूत होते हैं, right, you have good spirits and then you have bad spirits, right तो bad spirit जब आ गई तो you should be scared, exactly, but if it is a good spirit maybe you should acknowledge it, right। Alright guys, तो ये था आप लोगों का हॉरर एक्सपीरियंस, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और भी हॉरर एक्सपीरियंस पर रिएक्ट करूं तो अभी जाके मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और गाइज ईशा की नई वीडियो आ चुकी है या आने वाली है मुझे नहीं पता, बट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम तीनों ने एक वीडियो साथ में करी है, बहुत ही फनी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ईशा का जो चैनल था अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो का लिंक नीचे होगा जाके देख लेना, दो वीडियोस मिल रही हैं तीनों के साथ, दो वीडियोस, तीन लोग दो वीडियोस, क्या बात है, ऑफर मिलेगा आपको, फ्लैट 50% ऑफ, बताओ एक पे एक मुफ्त, क्या बोला तुमने, फ्लैट 50% ऑफ, क्या चल रहा है, मूड खराब कर दिया यार, जाओ यार देखो वो वाली, देखो उसमें अच्छा है, जाओ जाओ, ओके।
और अगर आप लोग चाहते हो कि हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाएं एक्सप्लोर करने के, तो 300,000 300,000 लाइक्स अभी जाके कर दो भाई। मुझे पता है आप लोगों के लिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि जहां अंकुर फैम है वहां अंकुर भाई है, और मुझे नहीं पता कि मैं सेंटेंस कैसे खत्म करूं, ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, बाय पे करते हैं सेंटेंस को, बाय बाय, एक बाय चला दो, वहां चला दो।